मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 सबसे बड़ा कौन ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पाठ 8 सबसे बड़ा कौन। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, शिव जी अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश जी तथा कार्तिक के साथ बैठे थे। उसी समय सारे देवगण वहां आ पहुंचे। जब सभी बैठ गए तब शिव जी ने उनसे आने का कारण जानना चाहा। इंद्र ने कहा, भगवान हम सब में सबसे बड़ा कौन है, इसी विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा, फिर उन्होंने देवताओं की ओर देखकर कहा, जो सारी दुनिया का 7 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ा है। सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े। कार्तिकेय का वाहन मोर था। कार्तिकेय कौन था? शिव जी का बेटा था। शिव जी के 2 बेटे थे, एक गणेश जी दूसरा कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन मोर था, वे उस पर बैठकर चल पड़े। गणेश जी सोच भी पड़ गए, उनका मूषक वाहन, मूषक यानी चूहा, उनका मूषक वाहन उतनी तेजी से जा नहीं सकता था। चूहा सभी जानवरों के पीछा जो है, या मोर के पीछा चूहा जो है बहुत ही धीरे चलता है, इसलिए गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगाएं। अब क्या करें, कुछ देर तक सोचते रहे। वे बड़े चतुर व बुद्धिमान थे। वे अब माता पिता के पास गए। अपने चूहे पर बैठे ही उन्होंने शिव पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की। सभी देवतागण परेशान थे, क्योंकि हर जगह गणेश जी का मूषक वाहन उनसे पहले दिखाई देता था। सभी देवगण लौट आए, गणेश जी अपनी जगह मुस्कुराते हुए बैठे थे। देवताओं ने शिव जी से इसका कारण पूछा। क्या कारण पूछा? कि हम लोग तो इतने 7 बार परिक्रमा लगाने पर अभी हम लोग पहुंचे हैं, और गणेश जी का वाहन चूहा था वो इतनी जल्दी 7 बार चक्कर लगाकर कैसे यहाँ पहुंच गया। तो वे देवता जो थे वो शिव जी से इसका कारण जानना चाहते थे। उन्होंने इसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया, माँ पृथ्वी के समान होती है, पिता ईश्वर के समान होता है। गणेश ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त की है। जो माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन धन्य है, उसको सफलता मिलती है। उस दिन से सबसे पहले गणेश जी की पूजा होने लगी। मन लगाकर जो उनकी पूजा करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। किसकी पूजा करने से? गणेश जी की। गणेश जी की जो मन लगा करके पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, गणेश जी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखी है, शब्द अर्थ, मैंने शब्द अर्थ लिखे हैं। आप लोग अपने क्लासवर्क में सबसे पहले डेट डालेंगे, लेसन डालेंगे, सबसे बड़ा कौन, ठीक है? क्लास नहीं लिखेंगे, क्लास मैंने आपको बताने के लिए कि क्लास 4 का है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। हाँ, तो शब्द अर्थ पहले पेज पर शब्द अर्थ लिखेंगे। मूषक, मूषक का अर्थ होता है चूहा। परेशान, परेशान का अर्थ होता है चिंतित। परिक्रमा, चक्कर। देवगण, बहुत से देवता, दुनिया, संसार। इधर मीनिंग मैंने लिखी है, ये शब्द है और ये मीनिंग है। फिर से देखिए, मूषक का अर्थ होता है चूहा, परेशान का अर्थ होता है चिंतित, परिक्रमा, चक्कर, परिक्रमा का अर्थ होता है चक्कर, देवगण, बहुत से देवता, दुनिया, दुनिया का अर्थ होता है संसार, वाहन का अर्थ होता है सवारी, चतुर का अर्थ होता है चालाक, विजय का अर्थ होता है जीत। हाँ, अब ये लिखने के बाद अगर आपके पेज में ये पूरा नहीं आता है, 2-3 बच जाता है, तो नेक्स्ट पेज पर लिख करके जब आंसर लिखेंगे तब
2-3 लाइन छोड़ करके लिखना, अगर उसी पेज से लिखते हैं, नहीं तो आप दूसरे पेज से स्टार्ट करिएगा। और क्वेश्चन जो है आप लोग पेज नंबर मैंने दिया हुआ है, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 30 प्रश्न ये दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न उतारेंगे नंबर 1, हाँ पहले क्वेश्चन उतारेंगे, इंद्र ने शिव जी से क्या कहा, तो मैंने आंसर लिख दिया है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने 5 लिख दिए, 6 वाला मैं आपकी बुक में मैं टिक करा दूंगी। तो देखिए फर्स्ट है, इंद्र ने शिव जी से क्या कहा, इंद्र ने शिव जी से कहा कि भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप कॉपी करोगे बुक से, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बुक से कॉपी करोगे, शिव जी ने विजय का क्या नियम बताया, शिव जी ने विजय का यह नियम बताया कि जो सारी दुनिया का 7 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही सबसे बड़ा है। मैंने आंसर खाली लिखे, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, क्वेश्चन आपको बुक से कॉपी करने, एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा उसका आंसर मैंने दिया वो लिखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन बुक से कॉपी करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन है गणेश जी ने क्या किया, इसका आंसर यह है, गणेश जी ने अपने वाहन चूल्हे पर बैठे ही शिव पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा करके उनके पास बैठ गए, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप बुक से क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे, देवता गण क्यों परेशान थे, इसका आंसर है सभी देवगण इसलिए परेशान थे क्योंकि हर जगह गणेश जी का मूषक वाहन उनसे पहले दिखाई देता था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आप कॉपी करेंगे, शिव जी ने गणेश जी की सफलता का क्या रहस्य बताया, इसका आंसर है शिव जी ने बताया कि माँ पृथ्वी के समान होती है और पिता ईश्वर के समान होता है, इस तरह गणेश ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त की। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन के आंसर है, 6 वाला मैं आपकी बुक में टिक करा दे रही हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन है, गणेश जी इनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसका आंसर यह है सबसे लास्ट में, पेज नंबर 29 का सेकंड लाइन से देख रहे ना, मन लगाकर जो उनकी की जगह गणेश जी लिखोगे, बस मन लगाकर जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, समझ में आया, ये 6 क्वेश्चन का आंसर है। फिर से देखिए, मन लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 डाल, आंसर नंबर 6 डाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 29 के लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में आंसर नंबर 6 लिख करके लिखेंगे, मन लगाकर जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब उसके बाद आप लोग बुक में देखिए, बुक में वाक्य प्रयोग में कल करा दूंगी, हाँ, और अभी फिलअप दी ब्लैंक्स कर लीजिए, फिलअप दी ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा, ये भी मैं आपको कल बता दूंगी, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, आप अपनी बुक से भी देख के कर सकते हो, मैं बता दे रही हूँ आपको, देख लीजिए, शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा, यहाँ फर्स्ट वाले में भरेंगे मुस्कुराते, वही वही सबसे बड़ा है, यहाँ पर क्या भरेंगे सबसे, थर्ड है उनका मूषक वाहन उतनी तेजी, यहाँ पे क्या खाली जगह में क्या भरोगे तेजी से जा नहीं सकता था, फोर्थ वाला है वे बड़े चतुर और बुद्धिमान थे, फिफ्थ है उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, यहाँ पे सारी भरेंगे। फिर ये फोर्थ बिट देखिए, पेज नंबर 31 पर फोर्थ बिट देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्न शब्दों के आगे 3-3 अर्थ दिए गए हैं, ठीक अर्थ के नीचे रेखा खींचिए, यानी देखिए चक्कर लगाना का अर्थ होता है परिक्रमा करना,
इसको आप लोग टिक करेंगे, घूमना और दौड़ना ये काट दीजिए, परिक्रमा को सही करेंगे। दूसरा मूषक, मूषक का अर्थ होता है चूहा, यहाँ धोबी और गिद्ध दिया हुआ है, इसको काट दीजिए, चूहा को अंडरलाइन कर लीजिए, गोला बना लीजिए। चतुर, चतुर का अर्थ होता है होशियार, और इसमें बेवकूफ और नालायक दिया हुआ है आगे, इन दोनों को काट दीजिए। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, आकाश और पर्वत भी दिया हुआ है, आकाश को काट दीजिए और पर्वत को काट दीजिए, धरती को सही कर दीजिए। फिर शिव जी के अब हाँ या नहीं लिखना है, शिव जी के तीन पुत्र थे, नहीं उनके दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकी। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, हाँ इंद्र ने गणेश जी को हराया, नहीं माँ पृथ्वी के समान होती है, हाँ गणेश जी ने 8 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की, नहीं देवता राक्षसों से परेशान थे, हाँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बाकी प्रयोग जो है वो कल मैं आप लोगों को लिखा दूंगी, ठीक है, धन्यवाद।